नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इलेक्शन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के मुद्दों की पड़ताल इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम कर रही है, वोटरों का मिजाज समझने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर, जिसका नाम दिलो दिमाग में आते ही भगवान त्रिनेत्र गणेश भगवान की छवि सामने आती है, साथ ही बाघों की अटखेलियों की तस्वीरें नजर आती हैं, बाघों की दहाड़ की गूंज समझ में आती है और यहाँ के अमरूद का स्वाद भी याद आता है। यहाँ के अमरूद भी बहुत फेमस हैं। लेकिन सियासी तौर पर बात करें तो सवाई माधोपुर से कई नामचीन हस्तियों को यहाँ जीत भी मिली है, कई मंत्री बने, कई केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन क्या इस क्षेत्र का विकास हो पाया? चार विधानसभा क्षेत्र हैं, चार विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल स्थिति यह है कि चारों पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछली बार तीन पर कांग्रेस को जीत मिली थी, एक पर निर्दलीय जो कि कांग्रेस को समर्थन देने लगे। तो फिलहाल चारों पर कांग्रेस का कब्जा, लेकिन इस बार बीजेपी भी चुनौती दे रही है। लाइफलाइन किसी भी गेम में आप सुनते होंगे, यहाँ वही लाइफलाइन है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पिछले 25 साल से ये लाइफलाइन दरअसल ऐसी है कि एक विधायक जो चुना जाता है उसको दूसरी लाइफलाइन नहीं मिलती, यानी एक विधायक जो चुन गया वो दोबारा जीतकर फिर नहीं आ पाता है। तो क्या वो रिवाज फिर से रिपीट होगा या फिर वो रिवाज टूटेगा, दोबारा यहीं से जो विधायक हैं कांग्रेस के दानिश वही जीत कर आएंगे? बाकी विधानसभा क्षेत्रों में क्या बीजेपी का कब्जा होगा और वोटरों के मन में क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं अगले आधे घंटे। और सवाई माधोपुर की जनता का सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। ये सवाई माधोपुर की जनता, आप लोग अपना उत्साह एक बार बता दीजिए। सवाई माधोपुर की जनता का जोश कैसा है चुनाव को लेकर? चलो तो गणेश भगवान की जय जयकार, गणेश भगवान की जय जयकार से ही कोई काम शुरू होता है, शो की शुरुआत। त्रिनेत्र भगवान गणेश हैं यहाँ पर, तो उसी से शुरू करते हैं। पब्लिक के हम सवाल लेंगे, ठीक है, पब्लिक के सवाल लेंगे। ये समझ में आ गए, ये समझ में आ गए, सवाई माधोपुर की जनता में जोश है, जोश है, उत्साह है। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमान से परिचय करवा दें, यहाँ पर जो हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से हैं। आप कांग्रेस से? बीजेपी से। बीजेपी के सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री चंपालाल मीणा एडवोकेट। चंपालाल मीणा, ठीक है। आप? गिरिराज सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर। गिरिराज सिंह गुर्जर और चंपालाल मीणा बीजेपी, गिरिराज जी हैं कांग्रेस से, और ये पब्लिक कांग्रेस और बीजेपी के सवाल। तो पब्लिक के सवाल क्या है ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो जनता है उनके मुद्दे, आप लोगों के मुद्दे क्या है? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या जो भी आता है वो समस्याओं को सुधार करता है या फिर जीत कर चला जाता है और कुछ करता नहीं? सवाई माधोपुर के बारे में, सवाई माधोपुर के अंदर कोई विकास नहीं करवाया है ना। यहाँ ERCP योजना थी जो 13 जिले सिंचित, अगर चंबल का पानी यहाँ लाया जाता तो सवाई माधोपुर के 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान में आते हैं वो पूरे विकसित हो जाते हैं। ERCP बड़ा मुद्दा है। हाँ, यहाँ ERCP सबसे बड़ा मुद्दा है। और कौन से मुद्दे हैं, जल्दी नेताजी जवाब देंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ सवाल, सवाल किससे, कांग्रेस की बीजेपी? नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी वाले ने उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित ही नहीं की। बीजेपी वालों ने की नहीं? हाँ, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित ही नहीं। सही है, ये जो कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और जिला अध्यक्ष से आप बताओ, बीजेपी के तो मतलब क्या है, जो अभी करोली लाल जी आ रहे हैं, इन्होंने पहले भी जीते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कहा था इन्होंने क्या चंडीगढ़ बना दूंगा, यहाँ पे रंडीगढ़ बना दिया, इन्होंने कोई विकास नहीं। ठीक है, आप बताओ। ERPC के मामले में कल भी हमारे पूरे सवाई माधोपुर के अंदर इसका वो हुआ था, मैं तो उस मामले में पूछना चाहूंगा। सवाई माधोपुर में क्या क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा यही है ERCP। ठीक है, आप लोग बताओ, आप लोगों के मुद्दे कौन क्या क्या है? हमारे मुद्दे भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, स्थानीय विधायक ने भूमाफिया बद्री माफिया भ्रष्टाचार कर रखा है, और 5 साल से जो श्रम विभाग की योजनाएं चल रही थी, कन्या के विवाह में 55,000 रुपए दिए जाते थे, और यहाँ 5 साल से वो गरीब ऐसाई व्यक्ति पैसे के लिए भटक रहा है, कन्या के विवाह के पैसे। एक मुद्दा है और हमारे विधायक साहब 5 साल रह गए, विकास तो कराया नहीं, खाली बजरी और टोल पे ध्यान रखा हमारे विधायक साहब, बजरी और टोल वसूली पर। हमारे यहाँ पर नगर परिषद में
योजनाओं को लेकर कागजी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ सड़क पर है, सड़क पर अमर पट्टी की जा रही है, कभी सीवर लाइन से गड्ढे को खोदा जा रहा है, कभी उनको मूंजा जा रहा है, कभी गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कभी मूंजा जा रहे हैं, विकास के नाम पर 0/0 शून्य पद्धति है यहाँ पर। कांग्रेस ने तो जो चुनाव की नीम रखी थी वही झूठी रखी थी, यूँ कहा था कि सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात करूंगा। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने सिर्फ अपने बाप के नाम पर जो गेट बनाया वो एक विकास है। इसके अलावा जो आप पुलिया का जो निर्माण है वो पूर्व विधायक की देन है। यहाँ पर जो बारजा में जो एनिकट बना वो पूर्व विधायक की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे उनकी वजह से ये विकास हुआ है। आज तक दानिश जी ने सवाई माधोपुर में सबसे बड़ा जो कांड किया है वो है चेयरमैन नगर पालिका, अपनी कठपुतली बना के चेयरमैन बनाया, वो भ्रष्टाचार के में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, करप्शन। और फिर भी दोबारा भी उन्होंने उसी तरीके से सवाई माधोपुर में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, जल्दी से। इनका जो चेयरमैन था नगर पालिका का उसको भ्रष्टाचार में सरकार ने पकड़ा, 2 महीने जेल रहा और विधायक साहब की मेहरबानी से 2 महीने बाद वापस बन के आ गया वो, फिर कोर्ट के जरिए उसको हटाया गया। ये इधर से ERCP बीजेपी के लिए सवाल, ERCP को केंद्रीय परियोजना में शामिल नहीं किए, चंबल का पानी आ जाता। ERCP जो मुद्दा है वो सिर्फ कांग्रेस ने चुनाव के लिए ही जीवित कर रखा है। ERCP में केंद्र सरकार इनको बजट देने को तैयार है, इन्होंने जो राज्य सरकार का जो बजट बनता उनको उसको स्वीकृत परियोजना में शामिल करने में क्या दिक्कत है? केंद्रीय परियोजना में शामिल करने में वर्तमान समय में चुनाव चल रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू पे दोनों राज्यों में उस वक्त सरकार से पहले तो चुनाव नहीं थे ना, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों। 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, ERCP परियोजना 2014 से अब तक चुनावी हो रहे हैं क्या? आपको यही समझा रहा हूँ कि पहले गत जो भाजपा सरकार थी मध्य प्रदेश की उन्होंने NOC नहीं दी, और रही बात राजस्थान, हाँ राजस्थान का और दोनों का मिक्स तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी पिछली बार, ये लोग स्थान में भी पिछली बार बीजेपी थी, केंद्र में भी बीजेपी थी। ERCP आपको खुलासा कर रहा हूँ कि ERCP सिर्फ ये सरकार ERCP के नाम से वोट बटोरना चाहती है। ERCP पूर्वी राजस्थान में कोई मुद्दा ही नहीं है, अगर मुद्दा होता तो माननीय गहलोत जी 26 तारीख से यात्रा कर रहे थे, लेकिन विरोध की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित की है। अगर जवाब गिरिराज जी, जवाब कांग्रेस से। कांग्रेस की जो प्रदेश सरकार है ERCP को लेकर वर्ष 2020 में 14,000 करोड़ रुपए बजट दिया है इसका, ERCP को लेकर के 13 जिलों को पानी मिले। कब दिया, कब रिलीज? 2020 में 14,000 करोड़ रुपए का बजट है, और केंद्र सरकार को ये कहा भी कि आप इसको मंजूर दिलाइए, आप इसमें हेल्प करिए, आपका जो बजट है जो हमने दिया है वो आपका जितना परसेंटेज है वो आप भी दीजिए, जो आज तक नहीं दिए इन्होंने। इस मुद्दे को लेकर के हम ये सिर्फ भारमक बातें हैं ना, तो इन्होंने आज तक जो हाँ जनता देख रही है, कौन है झूठ कौन है, लेकिन ये परियोजना के विगत लागत से इस वक्त की लागत उसी के आधार में बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नागेश लोढ़ी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ युवा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये कांग्रेस के भ्रमित करने की मात्र एक साजिश है। भारतीय जनता, आप ही बताइए, आप इनसे पूछिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने पर केंद्र सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलेगा, बताओ, बताइए कितना पैसा मिलेगा? 60% केंद्र सरकार देगी, 40% हमने हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी ने आके जिले में जाकर ये बताया है कि हम 90% पैसा देने को तैयार हैं PKC योजना के लिए, 90% पैसा, ये मात्र 7% लेकर दीजिए ना, मना किसने किया, दीजिए ना, हमने 14 दीजिए, वो बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया है। इन्होंने नवनेरा बांध जो 13 जिलों को पानी मिलना था, हम जो PKC योजना चला रहे हैं 14,000 करोड़ रुपए दे दिया, 14,000 करोड़, ये बोल रहे 90,000 करोड़ हम देंगे, दे दिया आप, फिर भी आप कब देंगे? हम ERCP पे मैं आप बता देता हूँ, मैं आपको नदी से नदी जोड़ने का प्रकल्प हमने अगर शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी की भी जो 1,000 करोड़ कहाँ है, 90,000 करोड़ की तो बोला है, 90% के बोला हमने, 90% 40,000 करोड़ में से तो 90% दे दिया, देना नहीं है, हम देने को तैयार हैं, राजस्थान सरकार लेना नहीं चाहती है, वह भ्रमित कर रही है, राजस्थान सरकार लेना नहीं चाहती, आप पैसे नहीं लेना चाह रहे हैं भाई। ERCP पे मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जल शक्ति मंत्री यहाँ आए थे, सर्किट हाउस में वो रुके थे, उनसे जब लोगों ने पूछा, मीडिया ने सवाल किया कि साहब ERCP का पैसा आप क्यों नहीं दे रहे, कि साहब राजेंद्र सिंह राठौर जी को मुख्यमंत्री बना दो, मैं अभी दिलवा देता हूं। तो ये हालत है इनकी, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है यार, यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर जो भ्रष्टाचार, भय,
तुष्टिकरण, अपराध, महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ रीट का पेपर लीक प्रकरण, ये क्या ये मुद्दे नहीं है? चलिए बताइए अब इन मुद्दों को, पेपर लीक होता है? सवाई माधोपुर, मैंने भी युवाओं से बात की, युवा बोल रहे हैं भाई पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस देखो, पेपर लीक का मामला जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर लीक का जो मामला है, जो भी उजार हुआ है वो जेल गए, कोई भी हो किसी को बख्शा नहीं गया। पेपर लीक मुद्दा है कि नहीं आप लोगों के नजर में भाई यूथ हो? पेपर लीक है मुद्दा, पेपर लीक है मुद्दा, पेपर लीक है। हाँ, तैयारी करते हो पढ़ाई की? हाँ। वैकेंसी निकलती है? हाँ, तो तैयारी करते हो, पेपर लीक हो जाता है, फिर क्या करते हो? फिर डोलते हैं, क्या करें? और बताओ भाई, पेपर लीक मुद्दा है? हाँ, देखे एक युवा बोल रहा है, एक युवा बोल रहा है, सुन लीजिए, पेपर लीक बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, ये पेपर लीक एक मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है, और इसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल है। बताइए भाई, बताइए बताइए, जहाँ भी पेपर लीक हुआ है और जिन जिन लोगों ने किए हैं वो आपके सामने है, सबको जेल गए हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, कहीं भी अगर किसी ने अपराध किया है, कहीं भी किसी ने अगर कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। भरोसा हो रहा है इनकी बातों पर? अपराध करने के बाद माफी मांगने से कुछ नहीं होता, अपराध करने के बाद माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, वो जेल में है भाई, इनका इनका भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन वो उसका फैसला अदालत करेगी, हम तुम नहीं कर। अब इनका भविष्य कैसे संभरेगा? अगर इनके कहीं भी पेपर लीक में किसी ने भी अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में इनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है, सालों की मेहनत खराब। नहीं नहीं, उसका तो फैसला अदालत करेगी ना, उसका फैसला तो अदालत करेगी, इनका भविष्य बीजेपी के राज में कह सकते हैं। ये जो गहलोत साहब की सरकार है, ये जब से सत्ता में आई है 7 बार से लेकर 17 बार हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आरपीएससी जैसी संस्थाओं में इन्होंने भ्रष्टाचारी बिठा दिए, जो आज जेल में बंद है। ठीक है, जेल में बंद है, लेकिन लगातार पेपर लीक होना भी एक सरकारी विफलता। अपने आदमी को कोई जेल में बंद करता है क्या? नहीं, जो सरकार जो जिन नियुक्तियां इन्होंने की है ना आरपीएससी में, हमारी तो सरकार भी नहीं है, नियुक्तियां तो इन्होंने की है स्वयं, नहीं दिए उसके बाद बंद किया है। डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया और उसके बाद इन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमारे बच्चे, हम स्वयं स्टूडेंट हैं, हम तैयारी करते हैं आज, जितना कांग्रेस स्टूडेंट हो लग नहीं रहे हो, बिल्कुल, अरे बीजेएमसी का स्टूडेंट हूँ, पीआरओ एपीआरओ की तैयारी करता हूँ और उसके अलावा कई कंपटीशन तैयार करते हैं, 1 अक्टूबर में आर 1 अक्टूबर के अंदर मैंने तैयारी की है। आज हमारे साथ में हमारा भविष्य का शोषण हो रहा है, हम कितनी मेहनत करके कितना समय निकाल के घर के आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई की तैयारी करते हैं और इनसे पेपर जो लीक होता है उनके बाद हमारा भविष्य अंधकार में, क्योंकि एक एक क्राइटेरिया होता है उम्र का, उसके बाद में ठीक है। बताइए सर, पढ़ाई में सालों लग जाते हैं, पढ़ाई में मेहनत होती है, उसके साल बिगड़ जाते हैं स्टूडेंट के, उसकी लाइफ खराब है। बोल रहे हैं गिरफ्तारी हम कर लेते हैं, गिरफ्तारी कुछ नहीं है सर, कानून बनाए जिसके बाद भी पेपर आउट हो रहे हैं तो इसका क्या, गिरफ्तारियां होने के बाद भी पेपर लीक होते हुए रुके हैं क्या, ये बताओ। ये जहां पेपर लीक का मामला है, ये पेपर लीक मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुए हैं और अपराध जहां है वो बदल नहीं जाता, अपराधी हुए तो बीजेपी हार गई, बीजेपी को हटा दिया, अब आप रोकने के लिए आए, बीजेपी ने उनको बचाने का प्रयास किया है लेकिन हमने उनको जेल में डाला है और अभी भी हमने गिरफ्तारी आप करते हो उससे क्या, उससे रुकते कहाँ है? सुनो मैं कह रहा हूँ, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, कोई आदमी अगर चोरी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा, अदालत करेगी उसका फैसला, लेकिन वैकेंसी जो निकाली है अभी शांति अहिंसा विभाग जो हमने दिया है 50,000 लोगों को है जो नियुक्तियां दी, 50,000 लोगों को वैकेंसी 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 को लेकर आज तक 1947 के बाद से, यानी डेमोक्रेसी 1950 में लागू हुई उसके बाद से आज तक इतना विकास सवाई माधोपुर में नहीं हुआ। यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ सवाई माधोपुर में विधायक दानिश अबरार जी ने जो यहाँ बनाए हैं, यहाँ स्वीकृत कराए और उनका काम चल रहा है। लोग बाग अभी विभिन्न प्रकार के जो है मत मतांतर लोगों ने पेश किए, लोगों ने कहा साहब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, बजरी खनन का हुआ, बजरी खनन के मामले में मैं मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि ट्रेन में बजरी भर करके कौन लेके गया यार सवाई माधोपुर से, ट्रेन में बजरी भर करके कौन लेके गया, ऐसे दलालों का खुलासा होना चाहिए, ठीक है ना? आप खुलासा कर दीजिए, आप पूछिए ना, आप खुलासा कीजिए, अरे ना आपको पता है, आप लोग हमारे साथियों से पूछिए बजरी भरकर कोई अपनी कमीज पर दाग बताता है क्या, आप बताओगे अपनी कमीज पर दाग? दूसरा निवेदन आप बताओ उनके बारे में कौन है? दूसरा निवेदन कर दूं, अशोक गहलोत साहब की इतनी फ्लेक्सिबल योजना है, जो आम एक बिल्कुल जो डाउन टू बॉटम का आदमी है वो उसको टच करती हुई योजना है, और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है। वैकेंसी की पहले बात, वैकेंसी निकलती है ड्रॉप हो जाती है, काफी समय सीमा खींच दी जाती है एक एक वैकेंसी की, अभी पिछली वैकेंसी को रिजल्ट नहीं आ पाए, वैकेंसी निकालने से होता क्या है? चलिए ठीक है, युवाओं के मुद्दे हो गए, युवाओं के मुद्दे हो गए, वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, बीजेपी वालों में भी हुआ, कांग्रेस वालों में भी हुआ।
1872 को चेंज करके मेरी बात सुनो, अशोक गहलोत जी ने नया अमेंडमेंट लेकर के आए और अब इस तरह के पेपर लीक प्रकरण के अंदर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया, जबकि पहले इस तरह के कोई प्रावधान नहीं थे, पुराना पैटर्न चल रहा था। पेपर लीक पर आश्वासन क्या है आपका? हमारी सरकार ने प्रदेश में जो अभी अमेंडमेंट किया है एजुकेशन के बारे में, अमेंडमेंट किया है कि कोई भी पेपर लीक करेगा उसमें कड़ी से कड़ी सजा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाया उसको। हाँ, आप कुछ बोल रहे सर? पेपर लीक में जो एग्जाम में फीस जमा हुई तो करोड़ों रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए, वो क्या रिफंड करे सरकार को? बताइए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप करोड़ों रुपए फीस लिए आपने गरीब बच्चों से, पेपर लीक हो गया, गिरफ्तार हो गई, गरीब बच्चों की फीस कहाँ से आएगा? फीस के बारे में मुकदमा दर्ज हुआ है उसको जेल में, उनकी फीस कौन लटाएगा बताइए? और दोबारा वो फॉर्म भरेंगे फिर से, दोबारा एग्जाम में फिर फीस भरेंगे, दोबारा एग्जाम, उसके लिए रियायत देगी हमारी गवर्नमेंट? कहा है हमने, हाँ बिल्कुल। आज वो कोर्ट में मुकदमे का पक्ष ले रहे हैं, कोर्ट में 20 साल बाद मुकदमा आएगा, जब तक तो ये एज ऑफ इनकी एज लिमिट निकल जाएगी, उसको कौन भुगतेगा? कोर्ट देगा नौकरी इनको? इनको पूछ के बताओ। ये हम नहीं कह रहे, इस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरपीएससी मेंबर बनाए तो उसकी योग्यता होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा एक मेंबर बना दिया आरपीएससी में जिसको रंगे हाथों पकड़ा, आपने खुद ने देखा होगा, जेल जाना पड़ा। पेपर लीक पर और भी मुद्दे हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं इस पर। थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने रेत के लिए जिक्र किया, उस पर आता हूं, मैं उस पर आता हूं, करप्शन पर आता हूं। पेपर लीक पर एक बड़ा इशू है, देखिए एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा अगर पढ़ाई करता है, कर्जा ले लेकर उसके पिता पढ़ाते हैं, फीस जमा करता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो ये पैसा तो कम से कम उसका लग जाता है ना। आप गिरफ्तारी करो, मुकदमा करो, वो क्या करेगा फिर आगे? सालों की मेहनत पढ़ाई में चली जाती है उसकी। इसके बारे में आपको अगर मैं जानकारी दे दूं, एक पायलट साहब ने एक सभा में कहा था कि पेपर लीक जो बच्चे हुए हैं, जिन बच्चों का पैसा लगा है, उनको माफ किया जाएगा। बढ़िया बढ़िया है, ठीक है ठीक है, बढ़िया। एक करप्शन बड़ा इशू है, करप्शन बड़ा इशू है। नहीं एक, हाँ आता हूँ, पेपर लीक हो गया, करप्शन एक बड़ा इशू है। यहाँ बजरी खनन और इन चीज़ों में करप्शन को लेकर आरोप लग रहे हैं, वो करप्शन ये कह रहे हैं, आपने क्या कहा? बीजेपी वाले रेत भरकर के ले गए, ट्रेन के ट्रेन भरकर। ये टीवी लाइव पे ये बता रहा हूँ आपको, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के चारों एमएलए इस वक्त वर्तमान, रेत के अलावा कोई कारोबार ही नहीं किया है विगत 5 साल में उन्होंने, और रेत से हर नाके पे थानों की बोलियां लगी है, सूरवाल थाना हो, बोली थाना हो, गंगापुर थाना हो, जहां से रेत निकलती है उन पे एसएचओ की रेट लगी हुई है 5 लाख रुपए, रेत की बात कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के अंदर चारों विधायकों के खिलाफ अगर कोई रेत का एक भी मुकदमा हो तो वो बता दीजिए, और सुनो, और भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने भी अगर आंदोलन किया हो कि ये विधायक बजरी बेच रहे हैं, वो बता दीजिए। बजरी अगर बजरी खनन माफिया से इनका संबंध नहीं है तो बजरी के ठेकेदारों को बुला के रात को मीटिंग करने की जरूरत कहाँ है कि ट्रॉली की लिमिटेड इतनी रहेगी? आज सवाई माधोपुर से ये मीटिंग कब हुई? ये मीटिंग इनको पता है, पूरे माधोपुर आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। कब हुई? कब? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा है कि ये रेट रहेगी, ठेकेदारों को ये बुला रहे। आज आप अभी शाम होने के बाद आप इस रोड पे निकल जाओ, प्रत्येक थाने पे बजरी की ट्रोलियां वर्तमान समय में। बताओ, एक चीज बताओ, आपके पास सबूत है? सबूत? आपने एक याचिका दायर की? एक भी याचिकाएं दायर के खिलाफ मुकदमा करवाया? राजस्थान में हुई है, इनकी खनन नीति पूरे राजस्थान में बेतुका और बेसवार रही है। आप अभी टीवी डिबेट पर बाद में जाओगे, आपको रास्ते में इन्हीं की सरकार है, हजारों ट्रोलियां मिल जाएगी आपको, हजारों ट्रोलियां। बातें हैं, झूठ के पुलंदे हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और झूठ के पुलंदों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई सबूत तो रखना पड़ेगा, कोई सबूत तो करना पड़ेगा। चलिए आप देखिए, बामनवास की माननीय विधायक के ड्राइवर के नाम पे 20 लाख रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए का चौकीदारों के नाम पर, सब लेके आप कहां, कहीं कोर्ट में गए, कहीं मुकदमा इसको लेकर के आंदोलन किया? ये आंदोलन किया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बामनवास के, आंदोलन किया। अगर आपने कहीं आंदोलन किया तो वो बताया, आपने कहीं मुकदमा दर्ज कराया तो वो बताइए, आपने कहीं विरोध किया? हमने एसडीएम चुनौती दे रहे हैं, एसडीएम बामनवास, एसडीएम बौली को हमने इस मामले में ज्ञापन दिया हमारे युवा मोर्चा ने, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला सुरक्षा बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान में भी बातें होती है, एक महिला भी हमारे साथ, महिला सुरक्षा एक इशू है जी, बहुत बड़ा इशू है सर इसी, क्योंकि एक छोटी सी बात है, मेरे घर की जो स्ट्रीट है उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और इसके लिए मैं 181 पे लगातार लगभग 1.5 वीक से
मैं संपर्क कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी जनप्रतिनिधि का कोई फोन नहीं आया है। बार बार मैसेज यही आता है कि आपसे संपर्क करेंगे। मैं बार बार उनको कंप्लेंट रिवर्ट करवाती हूँ, बट उसका अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। मेरी गली में अंधेरा रहता है, ना मैं 7 बजे बाद निकल सकती हूँ। इनकी शिकायत का हमें तो कोई जानकारी है नहीं कि इन्होंने कहाँ शिकायत की है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 181 पर इन्होंने शिकायत की है, तो उसके बारे में हम बताएंगे ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लाइव में आश्वासन देंगे इनको? बिल्कुल, हम आपको आश्वासन मिल रहा है। मोबाइल लाती हूँ मैं सर। नहीं नहीं, आप ठीक है, हो गया मैम, हो गया। 181 के लिए मैं कहूँ, 181 के लिए सवाई माधोपुर में, मेरा गांव जीनापुर है, जीनापुर के स्कूल में इन्होंने प्रचार के लिए पोस्टर लगा रखे थे। मैंने 181 में शिकायत की SDO कोर्ट में, मैं सबूत सहित पेश कर सकता हूँ। उसमें ये लोग 181 में पहले ये पूछते हैं वोट किसको दोगे, जो वहाँ कर्मचारी लगा रखे हैं वो पूछ रहे हैं सरकार की कौन सी राजनीति। नहीं, ये करप्शन करप्शन एक बड़ा इशू, भय भ्रष्टाचार या अवैध खनन या फिर युवाओं के रोजगार, इन सब पर बहस लगातार हो रही है हर जिलों में। जरूरी है इन मुद्दों का सही तौर पर समाधान तलाशने की कोशिश यही होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जाति और धर्म में उलझे रहे हैं, इन मुद्दों पर असली बात होनी चाहिए। और सवाई माधोपुर की जनता ने असली मुद्दों पर बात की है, कोशिश हमारी यही है कि इन मुद्दों पर आगे चुनाव हो और इन मुद्दों का समाधान हो। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में सवाई माधोपुर से इतना, कल शाम 4 बजे जरूर देखिए कोटा से इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।